सांसद नरेश मस्के ने आर्या शाह का मुद्दा संसद में सफलतापूर्वक पेश करने के बाद अब मीरा भाईंदर के विकास को लेकर एक और मुद्दा संसद में पेश किया है। मीरा भाईंदर में केंद्र सरकार के क्षेत्र में आने वाली मीठागढ़ डिवीजन की जमीनें विकास के काम में बाधा बन रही थी। नरेश मस्के ने लोकसभा में मांग की है कि इन जमीनों को मीरा भाईंदर नगर निगम को ट्रांसफर किया जाए। इसके लिए नरेश मस्के ने केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल को पत्र भेजा था। इस मुद्दे का महत्व समझते हुए पीयूष गोयल ने राज्य सरकार और एमबीएमसी को एक प्रस्ताव भेजने का निर्देश दिया है। नरेश मस्के ने लोकसभा में यह मुद्दा उठाते हुए कहा कि मीठागढ़ डिवीजन की जमीन के कारण नई सड़कों का काम और स्टेडियम का काम रुका हुआ है और जमीन हस्तांतरित न होने से शहर का विकास धीमा हो गया है। इस मुद्दे को ध्यान में रखते हुए गोयल ने 27 अगस्त 2024 को मस्के को एक पत्र लिखा। अब से नमक भूमि के हस्तांतरण पर नई गाइडलाइन के तहत विचार किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने पत्र में कहा है कि एमबीएमसी ने राज्य सरकार के माध्यम से प्रस्ताव भेजने का निर्देश दिया है और राज्य सरकार को भी इस बारे में पत्र भेजेंगे, ऐसा उनका कहना है। अब यह देखना अहम होगा कि इस मीठागढ़ों का काम कब तक पूरा होता है और नरेश मस्के और पीयूष गोयल के इस निर्णय के बारे में आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसी वीडियोस के लिए जुड़े रहें एमबी लाइव से।